हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल से जनरल टिकट बुक कैसे करते हैं या ऑन रिजर्वेशन टिकट को बुक कैसे करते हैं। दोस्तों, हाल ही में रेलवे की तरफ से अपडेट आया है कि जनरल टिकट का भी बुकिंग स्टार्ट कर दिया गया है। जनरल टिकट को बुक करने के लिए या ऑन रिजर्वेशन टिकट को बुक करने के लिए रेलवे ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है UTS ऐप। UTS ऐप के थ्रू आप बहुत ही आसानी से जनरल टिकट को आप बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि UTS ऐप से ऑन रिजर्वेशन या जनरल टिकट बुक कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से हर वीडियो को देखने के लिए भी हार्ड टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एक घंटे हो उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से UTS ऐप को डाउनलोड करना है। UTS ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है UTS SPS ऐप। इतना ही आप क्लिक कर सर्च करेंगे UTS ऐप तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ। इसके बाद आपको ओपन के बटन पर क्लिक करना है। इसको तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आप जब चाहता हो लॉगिन करके आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन है, आपको सिंपल सा लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, लॉगिन करने का पेज आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है रजिस्टर, तो आपको सिंपल सा रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर फ्रेंड्स, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके नीचे आपको अपना नाम डालना है और इसके नीचे आपको पासवर्ड डालना है जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं। इसके नीचे कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को डाल देना है। इसके नीचे आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है कि आप क्या हो। इसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन को टिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर आपको डालना होगा। OTP को डालने के बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने लॉगिन करने का पेज आएगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके नीचे आपको पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड बनाए थे। इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप UTS एप्लीकेशन में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि नॉर्मल टिकट बुक कर सकते हैं, क्विक टिकट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑन रिजर्वेशन टिकट या जनरल टिकट बुक कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको इस पर टिक करना है, यानी कि इस पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल बुकिंग। नॉर्मल बुकिंग पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नॉर्मल बुकिंग के अंतर्गत आपको दो ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन है बुक एंड ट्रेवल, दूसरा ऑप्शन है बुक एंड प्रिंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑप्शन है कि बुक एंड ट्रेवल। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से टिकट को आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डेट आप बुक करके आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सबको एक बात को ध्यान देना है कि यदि आप फर्स्ट ऑप्शन वाले को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे लिखा है बुक एंड ट्रेवल, तो आपका GPRS 1 होना चाहिए तभी आप टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबको एक बात को और ध्यान देना है कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप कहीं का भी टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। आप जहाँ पे होंगे उसके 5 किलोमीटर के आसपास में जो स्टेशन होगी उसी स्टेशन से आप टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन को यदि आप सेलेक्ट करते हैं जहां पे लिखा बुक एंड प्रिंट, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप कहीं से भी कहीं का टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको टिकट बुक करने के बाद आपको प्रिंट भी करवाना होगा। यदि आप दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप टिकट बुक करते हैं और प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं तो पकड़े जाने पर आपसे फाइन लिया जाएगा। तो इस पे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जहां पे लिखा बुक एंड ट्रेवल, क्योंकि हमारे पास में प्रिंट करने का कोई सुविधा नहीं है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे आपको डिपार्चर में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से सफर करना चाहते हैं। आपके 5 किलोमीटर आसपास में जितने भी स्टेशन होंगे यहाँ पे से हो जाएगा। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेशन से टिकट बुक करना चाहते हैं। आप जहाँ से चाहेंगे वहाँ से टिकट आप बुक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे 5 किलोमीटर के आसपास में एक स्टेशन है तो यहाँ पर से हो रहा है, तो हम इसी स्टेशन से टिकट बुक कर सकते हैं। यदि इसको छोड़कर हम चाहें किसी दूसरे स्टेशन से टिकट बुक करने के लिए तो हम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में आपसे एक बात को और ध्यान देना है कि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप ट्रेन में से या रेलवे लाइन पर से आप टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेन से या रेलवे लाइन से 4 मीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए। तो हमारे नियर में जो स्टेशन है यहाँ पे सो रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको गोइंग टू में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का नाम आपको सेलेक्ट करना है।
तो मैंने यहाँ पे लुधियाना सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, यहाँ पे एडल्ट सेलेक्ट करना है कि आपके साथ में कितना लोग हैं, अधिक से अधिक 4 आदमी का सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके साथ बच्चा है तो वो सिलेक्ट करना है। इसको ट्रेंड टाइप सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स इससे पहले आप सबको चेक करना चाहिए कि आपके आधे घंटे के आसपास में कौन सी ट्रेन आ रही है आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ के लिए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मेल एक्सप्रेस को सेलेक्ट करता हूँ। इसको फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप पेमेंट में किस माध्यम से करना चाहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। फ्रेंड्स यदि आप इस एप्लीकेशन के वैलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स हम UPI से करना चाहते हैं तो नीचे वाले सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे गेट फेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं किराया हमें 30 रुपये लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बुक टिकट के बटन पर सिंपल सा क्लिक करना है। जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहे हैं आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स यदि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है जहाँ पर लिखा हो पेटीएम। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं या वैलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे है UPI, तो इसको हम टिक करते हैं। इसको यहाँ पे हम अपना UPI ID को डालते हैं। UPI ID को डालने के बाद में सिंपल से यहाँ पे के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे टाइमिंग चलने लगेगा। इसी टाइमिंग के अंतर्गत आपको पेमेंट की प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने के लिए हमें अपने मोबाइल से पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद इसको यहाँ से हम अनलॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि पेटीएम का होम पेज पे ही यहाँ पे आ चुका है नोटिफिकेशन बार में हमें 30 रुपये पे करने के लिए। तो हम सिंपल से पे के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फिर पे के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमसे यहाँ पे UPI पिन मांग रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे हम अपना UPI पिन डालेंगे तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद हमारा टिकट भी बुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें टिकट बुक नहीं करना था इसलिए हम पेमेंट यहाँ पे नहीं करते हैं। पेमेंट करेंगे तो हमारा टिकट बुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जनरल टिकट या ऑन रिजर्वेशन टिकट को बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। फ्रेंड्स इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई डाउट, प्रॉब्लम या किसी तरह के कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो रहे तो आप इस वीडियो के कमेंट ऑप्शन कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और इस तरह से हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटे को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।